जय भीम। यह सिर्फ दो शब्दों का नारा नहीं है, यह नमस्ते और प्रणाम की तरह सिर्फ अभिवादन का तरीका नहीं है। जय भीम एक आंदोलन का नाम है जो आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देता है। जय भीम आपके अंदर वह जोश भर देता है जिससे आप जुल्म के खिलाफ डट खड़े होते हैं। बहुजन समाज का वह तबका जो कभी मनुवादी शब्दों को दोहराता था, आज वही तबका जब अपने समाज के लोगों से मिलता है तो जय भीम को बड़े गर्व के साथ कहता है। जय भीम आज बहुजन समाज की नई पहचान बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर जय भीम किसने शुरू किया, सबसे पहले जय भीम किसने बोला और क्यों जय भीम की शुरुआत की गई? जय भीम दोस्तों, मेरा नाम है तरुण कुमार और आप देख रहे हैं दशूद्र। दशूद्र की नई पेशकश द बहुजन शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस शो में देखेंगे आप जय भीम का संपूर्ण इतिहास। गूगल पर जब आप जय भीम लिखते हैं तो इसकी उत्पत्ति के बारे में कई लेख और खबरें मिलती हैं। अलग अलग लोगों ने तरह तरह के दावे किए हैं, इसलिए हमने इसकी पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए खूब पड़ताल की। इस बारे में हमें गूगल पर सर्च करते हुए एक वेबसाइट विलेवाड़ा मिली, जिस पर प्रकाशित एक लेख में बताया गया है कि एक एमए के शोधार्थी छात्र पीटी रामटेक ने अपने शोध पत्र जय भीम चे जनक में इस बात को बताया है कि कैसे बाबू हरदास ने जय भीम के नारे को जन्म दिया और उसका प्रचार किया। इसके साथ साथ डॉक्टर बाबा साहेब नाम का एक ब्लॉग भी मिला जिसमें जय भीम शब्द के नारे के बारे में बताया गया है। यह ब्लॉग 22 अगस्त 2015 को हितेश हडिया द्वारा लिखा गया। असल में जय भीम शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी और इस जय भीम शब्द को जन्म देने वाले थे बाबू हरदास लक्ष्मण नगराले। बाबू हरदास वह शख्स हैं जो बाबा साहेब के साथ रहे हैं। यह 1921 में हुए सामाजिक आंदोलन में भी बाबा साहेब के साथ थे। ऐसा नहीं था कि बाबू हरदास किसी किसी आंदोलन में बाबा साहेब के साथ होते थे, बल्कि 1930 में हुए नासिक कालाराम मंदिर सत्याग्रह और 1932 में पूना पैक्ट के दौरान भी बाबू हरदास ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ रहकर एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बाबू हरदास के मन में जय भीम का विचार कहां से आया? आखिर क्यों उनको ऐसा लगा कि ऐसा भी कोई शब्द होना चाहिए, कोई ऐसा शब्द जो सभी लोगों को समानता का एहसास दिलाए और सभी लोगों को एकता के बंधन में बांधने में मदद करे। असल में बाबू हरदास के मन में जय भीम का संबोधन पहली बार एक मुस्लिम व्यक्ति को देखकर आया था। हुआ यूं था कि उन्होंने मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता को एक दूसरे मुस्लिम भाई से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए देखा, जिसके जवाब में दूसरा मुस्लिम व्यक्ति भी अलैकुम अस्सलाम कहकर संबोधन कर रहा था। बस यही वह पल था जिसे देखकर बाबू हरदास ने सोचा कि मुस्लिम भाइयों की तरह हमें भी एक दूसरे का अभिवादन करना चाहिए। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोच लिया था कि संबोधन के तौर पर उन्हें किस शब्द का प्रयोग करना है। उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनसे कहा कि मैं आज से आप सभी से संबोधन के तौर पर जय भीम कहूंगा। मैं आप सभी से जय भीम कहूंगा और आप उसके प्रत्युत्तर में बल भीम कहना। बस यही वह पल था जब जय भीम की शुरुआत हुई। लेकिन अब आप सभी के मन में एक सवाल फिर से उठ रहा होगा कि यदि जय भीम के जवाब में बल भीम कहा जाता है तो आज के दौर में हम जय भीम के जवाब में जय भीम क्यों कहते हैं? अब जय भीम के जवाब में जय भीम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में हुआ कुछ यूं था कि शुरुआत में बहुजन समाज में जय भीम के संबोधन में बल भीम कहा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ समाज के लोगों ने इसमें परिवर्तन कर दिया और उन्हें पता तक नहीं चला। वह बल भीम के बदले जय भीम बोलने लगे, जिसके कारण बल भीम प्रचलन से धीरे धीरे गायब होता गया और जय भीम ने उसका स्थान ले लिया। तब से लेकर आज तक जय भीम अभिवादन चल रहा है। यह जय भीम का नारा आज भी देश के 75% मूल निवासी बहुजन समाज को एक धागे में
माला की तरह साथ रखने का काम कर रहा है। आप सभी को बता दूं, जय भीम का नारा बाबू हरदास ने सन 1933 तथा 34 में नागपुर में समता सैनिक दल को दिया था और तभी से जय भीम का नारा प्रचलन में है। तभी से बहुजन समाज के लोग एक दूसरे को जय भीम से संबोधित करते हैं। जय भीम का अर्थ होता है भीम की जय हो, या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। अब मैं आप सभी को एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जिससे आपका मन और भी प्रफुल्लित हो जाएगा। जय भीम का नारा अंबेडकर वादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक अभिवादन नारा है, खासकर उन लोगों द्वारा जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए धर्म को बदलते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे भी हिंदू हैं जो बाबा साहेब के विचारों और उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर जय भीम के नारे का संबोधन करते हैं। जय भीम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले एक कवि बिहारी लाल ने अपनी कविता में भी किया और उन्होंने लिखा, नव युवक कौम के जुट जावे सब मिलकर कौम परस्ती में, जय भीम का नारा लगा करे भारत की बस्ती बस्ती में। जय भीम का नारा आज बहुत ही प्रचलित हो चुका है। यह आपसी संबोधन के अलावा सामाजिक हितों में होने वाले आंदोलनों में आप इसे बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। लेकिन जय भीम को लेकर आज भी समाज के एक बड़े तबके में सहजता नहीं है। बहुजन समाज के लोग आज भी जब सार्वजनिक स्थानों पर मिलते हैं तो आपस में जय भीम बोलने से कतराते हैं। यदि आप किसी गैर दलित व्यक्ति को नमस्ते के स्थान पर जय भीम बोलेंगे तो शायद ही ऐसा हो कि वह आपको जय भीम कहे। ऐसे में बहुत जरूरत हो जाती है कि आप जय भीम नारे के प्रति सहज हों और इसे बोलते वक्त गर्व महसूस करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही हमारा उद्देश्य यह है कि हम जय भीम के संबोधन को किसी भी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती बुलवाएं। यह पूरी तरह से आप लोगों पर निर्भर करता है कि इसे आपको बोलना है या नहीं। चलते चलते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, साफ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई प्रेरक कहानी है जिससे समाज को प्रेरणा मिले तो आप हमें नीचे दी जा रही आईडी पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें और इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। यदि आप अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर पर आप हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। जय भीम। साथियों, अंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@paytm पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।